और चलिए बड़ी खबर आ रही है, पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ। 142 आरपीएस अधिकारियों के तबादले हो गए हैं। लंबे समय से था इस तबादला सूची का इंतजार। अधिकतर जिलों में बदले गए हैं डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी। बड़ी जानकारी देखिए, अब आरपीएस अधिकारियों के तबादला हुए हैं विभागों में। अन्य जो ये डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी हैं, पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। अब वजह इस तबादले की क्या रही, इंतजार रहेगा। 142 आरपीएस अधिकारियों में कौन कौन से नाम शुमार हैं। हालांकि जिन पुलिस अधिकारियों का तबादला हुआ है वो डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी है, यानी कि बड़ी जिम्मेदारी अब तक निभाते आए हैं। और हमारे साथ सहयोगी शिवेंद्र परमार जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, जानकारी चाहेंगे कि 142 आरपीएस अधिकारी जिनके तबादले हुए हैं, सूची में किन किन का नाम शामिल है और अब क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारियों का तबादला होना जा रहा बताया गया है। देखिए, आज सुबह की शुरुआत हम पुलिस महकमे की इस बड़ी खबर से ही कर रहे हैं कि तकरीबन 142 डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले हुए हैं और ये तबादला सूची बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है। क्योंकि एक तो ये कि बहुत लंबे समय से इस तबादला सूची का इंतजार किया जा रहा था। कम से कम 20 से अधिक सर्किल्स ऐसे हैं पुलिस के जो खाली थे, यहाँ पर अधिकारियों की पोस्टिंग नहीं थी। कई अधिकारी ऐसे थे जो एपीओ बैठे हुए थे, कई अधिकारी ऐसे थे जो शिफ्ट होना चाह रहे थे और लंबे समय से सूची अटक रही थी किन्हीं कारणों से। लेकिन फाइनली ये सूची जारी हो गई है। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर हम दर्शकों को खबर दिखा रहे हैं कि 142 डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी बदल दिए गए हैं, क्योंकि इस साल जो चुनाव है वो चुनावी साल है, चुनाव में जाना है राजस्थान को। तो ये कह सकते हैं कि जो पूरी सूची है उसमें जो स्थानीय विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको तरजीह दी गई है, उनकी पसंद का ध्यान रखा गया है। कई ऐसे डिप्टी एसपी है जो विधायकों की पसंद के बाद उनके इलाकों में लगाए गए हैं, क्योंकि चुनाव को देखते हुए उनका जो रोल है वो महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये सुबह सुबह की बड़ी खबर है कि पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। 142 डीवाईएसपी स्तर के अधिकारियों की तबादला सूची जारी हुई है और शायद ही ऐसा कोई जिला हो जो इस तबादला सूची से अछूता रहा हो। हर जिले से अधिकारियों को हटाया गया है और हर जिले में अधिकारियों को लगाया गया है। जो अधिकारी पोस्टिंग का इंतजार था उनको भी पोस्टिंग दी। शिवेंद्र, सूची भी हम दिखा रहे हैं लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर। अच्छा, इनमें से कुछ एक नाम का शिवेंद्र आप भी जिक्र करेगा जो कि एक बड़ा बदलाव और फेरबदल मान सकते हैं इनमें से। देखिए, नामों की बात करें तो सबसे पहला नाम रुद्र प्रकाश शर्मा का है जो इनमें चल रहे थे। हालांकि इनको अस्थायी तौर पर गंगापुर सिटी का काम देखने के लिए कहा गया था, लेकिन अब इनको राजसमंद में लगा दिया गया है। जयपुर पुलिस की बात करें तो जयपुर पुलिस में भी काफी फेरबदल हुआ है, भरतपुर में काफी फेरबदल हुआ है, जैसलमेर में काफी फेरबदल हुआ है। अजय कुमार शर्मा तो भरतपुर के उज्जैन में जनता अधिकारी थे, उनको चाकसू में लगा दिया, चाकसू जयपुर पुलिस स्टेट में। इसके अलावा जो मुकेश कुमार सोनी है उनको प्रतापगढ़ के बीकानेर में लगा दिया गया है। कई नाम है, महेश कुमार शर्मा थे जो अभी तक धौलपुर के बाड़ी में थे, उनको धौलपुर के बाड़ी से अब लगा दिया गया, धौलपुर के बाड़ी से उनको लगा दिया गया। बाल अधिकार और जो सरमथुरा के सुरेश कुमार उनको बाड़ी में लगा दिया गया। इसके अलावा दीपक खंडेलवाल जो मनिया में थे, दीपक खंडेलवाल उनको अब लगाया गया, उनको साउथ में लगा। मनोज कुमार गुप्ता जो जयपुर में थे उनको मनिया भेज दिया गया है। तो कई सारे परिवर्तन है। चिरंजीलाल सिन्हा जो ट्राइबल सेल में थे जयपुर में है, वो एसीपी मालवीय नगर होंगे। गोपाल सिंह जो के एसीपी सोडाला थे उनको एसीपी झोटवाड़ा होंगे। लेखचंद मीणा जो एसीपी बस्ती थे उनको रिजर्व चीफ की एसीपी में लगाया गया है। सतीश कुमार जो वेट कर रहे थे उनको एसडीआरएफ में लगाया गया है। तो कई सारे नाम हैं और जैसा मैंने कहा कि शायद ही कोई जिला हो जो इस तबादला से प्रभावित नहीं हुआ हो। हर जिले में जो अधिकारी है स्थापन हुआ है, अधिकारी ऐसे तबादला हुआ है। और जयपुर रेंज की बात करें तो जयपुर रेंज में भी बड़े स्तर पर, काफी बड़े स्तर पर, सॉरी जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की अगर बात करें तो जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में भी काफी बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है। शिवेंद्र, एक और सवाल आपसे लगा, हालांकि तबादला एक सामान्य सी घटना है लेकिन इस प्रयोग को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस प्रयोग को बदलाव के भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि काफी लंबे समय से इस तबादला का इंतजार किया जा रहा है।
हाँ लोग हमको भी फोन कर कई बार पूछे जो तबादला सूची कब जारी होगी, क्योंकि ये जो तबादला ये काफी बेचे नहीं है चली गई थी, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पाना चाह रहे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जगहों से शिफ्ट होना चाह रहे थे, जगह बदलना चाह रहे और लगातार करता भी नहीं, उनकी सिफारिश जो जी शिवेंद्र मान सकते हैं कि नए जिलों की जिम्मेदारी के साथ नए कलेवर में दिखाई देंगे अब ये 142 आरपीएस अधिकारी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।